नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम बात करते हैं कि राजनीति के मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय सिंह राहुल से आगे निकल गए। एक दौर था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया केंद्र की राजनीति करते थे। माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अर्जुन सिंह का कद माधवराव सिंधिया से बड़ा था। अर्जुन सिंह प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री बने, पंजाब के राज्यपाल बने, केंद्र में संचार मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कई मंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया। माधवराव सिंधिया की भी ख्वाहिश थी कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय कभी अर्जुन सिंह रोड़ा लगाते थे तो कभी विद्याचरण शुक्ल रोड़ा बनते थे तो कभी मोतीलाल बोरा अड़ंगा बनते थे। इस तरीके से तमाम लोगों की कलह के चलते माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस दौर में भी जब अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया तो माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला, लेकिन अर्जुन सिंह ने उनके पाँव में लंगड़ी मारते हुए मोतीलाल बोरा का समर्थन किया। अंततः मोतीलाल बोरा मुख्यमंत्री बन गए। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल हैं, माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अब अगर इन दोनों पुत्रों का राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कौन आगे है तो बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय सिंह राहुल की तुलना में सैकड़ों मील आगे चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना और शिवपुरी से चुनाव हारे, तो वहीं अजय सिंह राहुल भी सीधी लोकसभा से चुनाव हारे। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो नहीं किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अपने राजनीतिक नारों में कोट किया, बस करो महाराज तुमसे अच्छे शिवराज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि अगर प्रदेश में कांग्रेस का बहुमत आया तो मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। कांग्रेस का बहुमत आया विधानसभा चुनाव में, लेकिन राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के आला कमान ने नकार दिया और कमलनाथ के ऊपर विश्वास जताया, कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मानकर चल रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी तरीके से अजय सिंह राहुल भी ये मानकर चल रहे थे कि अगर प्रदेश में बहुमत कांग्रेस का आया तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। जब भी कभी अजय सिंह राहुल से ये पूछा जाता था कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस का बहुमत आया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस अपना चेहरा क्यों घोषित नहीं करती, अजय सिंह राहुल हमेशा इस तरीके का जवाब देते थे कि जब बहुमत आएगा तो सारे विधायक मिल करके नेता तय कर लेंगे, अभी मध्य प्रदेश में कोई भी चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। और जब भी ज्योतिरादित्य का नाम मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाता था तो अजय सिंह राहुल की भौहें अपने आप तन जाती थी, अजय सिंह राहुल नाराज होने लगते थे, अजय सिंह को यह लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। विधानसभा चुनाव जब हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा, अजय सिंह राहुल ने चुरहट से चुनाव लड़ा जो उनकी पैतृक सीट थी। अर्जुन सिंह भी इसी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। मुख्यमंत्री का हसीन सपना पाले हुए अजय सिंह राहुल अंततः जो प्रदेश में कांग्रेस का बहुमत देख रहे थे, विंध्य में कांग्रेस की लहर देख रहे थे, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, अजय सिंह राहुल अंततः अपनी चुरहट की सीट नहीं बचा पाए। अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए और चुनाव हारते ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की दौड़ में सिर्फ दो लोग बचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। अजय सिंह राहुल तो कहीं बचे ही नहीं। अंततः कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात का मलाल था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, समय समय पर वो कमलनाथ को छेड़ते थे, समय समय पर सरकार के विरोध में बोलते थे। एक बार ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे। कमलनाथ भी
ज्योतिरादित्य सिंधिया की गीदड़ भभकी सुनते सुनते परेशान हो चुके थे, आज ही जा चुके थे। उनने भी तैश में आके कह दिया कि सड़क पे उतरना है तो उतर लीजिए। कमलनाथ को यह बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक सरकार तोड़ देंगे। स्थिति ये हुई कि जब कमलनाथ ने यह गिदड़ भक्की दी कि जिसको सड़क पे उतरना है उतर जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतर गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली, अपने विधायकों को लेकर के उनको रिसॉर्ट में बंद कर लिया। जब विधानसभा में कमलनाथ को बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई तो कमलनाथ बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, कमलनाथ की सरकार गिर गई। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दारी का फल मिला। सबके अपने अपने शब्द हो सकते हैं, मैं नहीं मानता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई गद्दारी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कमलनाथ खुली चुनौती दी थी कि अगर आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम सड़क पर उतरेंगे। कमलनाथ ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आप सड़क पर उतर जाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतर के उनकी सरकार गिरा दी। अब जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नहीं हैं वो उन्हें घोषित तौर पर गद्दार कह सकते हैं, लेकिन अगर गद्दारी का इस तरीके से पैमाना नापा जाए तो कभी अर्जुन सिंह ने भी कांग्रेस से बगावत करके तिवारी कांग्रेस बनाई थी, उनको क्या कहा जाए, उन्हें किन शब्दों से नवाजा जाए। तो ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन किस दल में चला जाएगा, कब कौन किसके साथ हो जाएगा, अब आप उसको अपने अपने हिसाब से गद्दार और खुददार की पदवी देते रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति राजनीति में आया है वो अपने राजनैतिक उत्थान के बारे में सोचता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राजनैतिक उत्थान के बारे में सोचा, क्यों, उसी समय जब राज्यसभा की एक सीट खाली हुई तो दिग्विजय सिंह ने एक शब्द कहा कि ये फैसला आला कमान करेगा कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में जाएंगे या कोई और। सीट एक थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि हो सकता है दिग्विजय सिंह भाजी मार दें और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में भी न जाने पाए। उनको इस बात का जब खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि अब हमारा राजनीतिक उत्थान भाजपा में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं। और अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करके अपना राजनीतिक उत्थान को देखते हुए ये फैसला लिया कि अब मुझे भाजपा में जाना चाहिए। वो भाजपा में चले गए। भाजपा में जाने के बाद प्रदेश में सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में भाजपा के फिर सरकार बनी शिवराज सिंह के नेतृत्व में। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा, दोबारा चुनाव में जाना पड़ा। तीन विधायकों को छोड़ करके बाकी सारे विधायक इनके चुनाव जीते। अगर आज देखा जाए कि अजय सिंह राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनैतिक औकात क्या है, राजनैतिक हैसियत क्या है, राजनीति में कौन कहां खड़ा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अजय सिंह राहुल कुछ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अजय सिंह राहुल के कोई समर्थक मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी नहीं है। आने वाला समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के उज्ज्वल भविष्य का है। अजय सिंह राहुल विधायक भी नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष भी नहीं बनाया गया उनको। दिग्विजय सिंह अपने लड़के को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, वहीं कमलनाथ भी अपने लड़के को राजनीति में मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं। अजय सिंह राहुल की आखिर गुंजाइश बचती कहाँ है? अजय सिंह राहुल आज मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने आप को देखते कहाँ हैं? अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पिता की राजनैतिक हैसियत माधवराव सिंधिया से ज़्यादा थी, ज़्यादा बड़ा जनाधार था, हर जिले में हर विधानसभा में उनके अपने लोग थे, उनके वारिस अर्जुन सिंह की विरासत, राजनैतिक विरासत को संभालने वाले अजय सिंह राहुल का राजनीति में यह हश्र होगा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समय जिस तरीके से गुजरता जा रहा है, अजय सिंह राहुल राजनैतिक हैसियत उसी तरीके से कम होती जा रही है। अजय सिंह राहुल ने अपने राजनैतिक चाल ढाल में परिवर्तन नहीं किया तो वे दिन दूर नहीं हैं
कि अजय सिंह राहुल की राजनीति का सितारा अस्त भी हो सकता है। आज बस इतना ही।